हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 अप्रैल 2019 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने कूलिंग एक्शन प्लान के तहत एसी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग कितनी रखने की बात कही है। ये जो हम लोग वातानुकूलित एसी जो चलाते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो इसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए, ये सरकार ने कहा है। उसके लिए उन्होंने माप रखी है 21 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जो एसी है, अभी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा एसी को चलाने में लग रही है, मतलब जो हमारा विद्युत है, वो यहाँ तक कि जितने भी अन्य उपकरण हैं, यहाँ ट्रेन भी क्यों ना हम ले लें, तब भी हमारे जो एसी हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा ले रहे हैं। तो एक तो दिक्कत ये होगी कि हम इतनी ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से दे पाएंगे, बिजली कहाँ से दे पाएंगे। और जब भी हम एसी को ज़्यादा निम्न उसमें चलाते हैं, मान लीजिए 20 पे चलाते हैं या फिर उससे भी कम चलाते हैं या 21 पे चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और ऊर्जा के कंजम्पशन के साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है। अगर आप एसी के पीछे खड़े होकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी ज़्यादा हीट पैदा कर रही है, और वो हीट इन्वायरमेंट में जा रही है जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। हालांकि ये हम पहले देश नहीं है जो ऐसा मतलब करने जा रहे हैं। ब्रिटेन में भी देखिए ये है नियम, उन्होंने भी बनाया है, तो उन्होंने 24 डिग्री सेल्सियस का लगाया है। हांगकांग है तो उसने डिफॉल्ट सेटिंग की है 25 की, और जापान में डिफॉल्ट सेटिंग है 28 की। हम लोग भी अगर इसको लगाते हैं तो उससे हम एक तो अपने वातावरण को गर्म होने से बचा सकेंगे, और दूसरा हमारी जो विद्युत की खपत है वो बहुत ही कम हो जाएगी। आज जो भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है या फिर मुंबई है, ये बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इन फ्यूचर देखिए, चूंकि कूलिंग की आवश्यकता हमें बढ़ती जा रही है, तो कूलिंग की आवश्यकता बढ़ने की वजह से पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने की बात कही है कि हम लोग 2037 से 38 तक जो कूलिंग उपकरण हैं उनकी संख्या कितनी घटा देंगे, 20% से 25% घटाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, ये 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड हम पेड़ लगाकर अवशोषित कर लेंगे। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आती है। ग्लोबल वार्मिंग से जो अपना ग्लेशियर है वो भी पिघलता है। अगर ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेगा और समुद्र में पानी ज़्यादा आएगा तो जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे, यहाँ तक कि कई केस में तो बड़े बड़े देश भी डूब जाएंगे, ये प्रॉब्लम होगी। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था, ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। देखिए, 2009 में कानून बना, लेकिन लागू कब हुआ था? ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो कानून था, जिसमें से अनिवार्य शिक्षा मतलब दी जाएगी 14 साल तक बच्चों के लिए, वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में और बना था 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवित पेड़ों की जड़ों और उनसे उनके तनों से पुल कहाँ पर बनाए जाते हैं। ये जो अपना उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में इस तरह की हमें संरचनाएं देखने की मिलती हैं, जिसमें से जो जड़ें हैं वो एक दूसरे पर लपेटते हुए और जो तने हैं वो एक दूसरे पर लपेटते हुए पूरा एक पुल जैसा बना लेते हैं, वो पूरा ब्रिज का निर्माण कर लेते हैं जिससे आवागमन भी वो लोग करते हैं आसानी से। ये है मेघालय, मेघालय क्षेत्र में ऐसे वहाँ पे पुल पाए जाते हैं। 17वीं लोकसभा, देखिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो 17वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले हैं। ये कितने चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव हो रहे हैं अपने 7 चरण में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसमें से हमें खुशहाली का इंडेक्स बताना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोट नहीं किया है, कि भारत 156 देशों में से किस स्थान पर है खुशहाली पे। देखिए, इसके पहले हमारी जो इंडेक्स में जो रैंक थी वो थी 133, और इस बार हमारी जो रैंक है वो है कितनी, 140, मतलब हम खुशहाली के स्तर से नीचे गिरते जा रहे हैं। अब खुशहाली का स्तर देखिए नापा कैसे जा रहा है, इसमें से हमारे पास 6 की पॉइंट है,
इसको नापने के लिए छह की पॉइंट्स है। और एक चीज और देख लें कि यहाँ पर देखिए जो क्रम है इनका, जैसे नंबर एक पर कौन सा देश है, तो नंबर एक पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे फिर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। तो इस प्रकार से इनका क्रम है और हम लोग 140 नंबर पे हैं। सूडान जो देश है वो सबसे पीछे है हैप्पीनेस में, वो है 156 देश, 56वें नंबर पे। इसके जो छह की पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ये खुशी का इंडेक्स बनाया गया है वो कौन से हैं, इसमें से देखिए जीडीपी पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय, इसके बाद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, वो जिएगा कितना, इसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता कितनी है, भ्रष्टाचार का अभाव है देश में कि नहीं, और सामाजिक अवलंबन उदारता, इसका मतलब है कि सामाजिक सपोर्ट कितना है। इस प्रकार से अपने जो इंडेक्स है और ये उदारता एक इसका अलग अगला पॉइंट्स है। तो इस प्रकार से हमारे छह इंडेक्स हैं जिनके आधार पर ये ज्ञात किया जाता है कि किस देश में कितनी हैप्पीनेस है। विश्व बैंक के अनुसार विदेश से अपने देश में पैसा भेजने, जिसको बोलते हैं रेमिटेंस, इसके मामले पे भारत किस नंबर पे, तो इसके मामले पे भारत है पहले नंबर पे। इसके पहले भी हम लोग लगातार दो साल फर्स्ट नंबर पे रहे, मतलब तीसरी बार हम फर्स्ट नंबर पे हैं। जो देखिए यहाँ के व्यक्ति हैं जैसे बाहर कमाने जाते हैं, फिर वो लोग अपने घर को पैसा भेजते हैं, तो उसमें हम नंबर एक पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार रेप्टाइल मतलब सरीसृप, तो सरीसृप जो वर्ग है जीवों का, उसकी जेन मतलब जीन एडिटिंग में वो सफलता पाया है, और जीन एडिटिंग करके उसने क्या किया है, एक म्यूटेंट छिपकली, मतलब जीन एडिटिंग के बाद एक छिपकली को बनाया है, वो किस देश ने किया है, ये किया है अमेरिका ने। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है, इसलिए ये नहीं मतलब हो पा रहा था, लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।